हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे कॉपर का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लेट्स स्टार्ट विद द मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे आप देखोगे कि कॉपर बंद हुआ है, लास्ट क्लोजिंग है 777 रुपीज़ की, लगभग 5 रुपीज़ गेन के साथ बंद हुआ है। यहाँ मंथली चार्ट पे देखोगे तो इस महीने हम ट्रेड कर रहे हैं लगभग 6 रुपये लॉस के साथ, और यहाँ जो है 0.76% डाउन ट्रेड कर रहा है। लास्ट मंथ हमने जो है तो लगभग 4.7% का लॉस देखा था कॉपर में, और 39 रुपीस लॉस के साथ ट्रेड कर रहा था। यह क्लियर कट साइन है करेक्शन के, और एक कॉपर जो है तो कॉपर प्राइसेस लॉन्ग टर्म करेक्शन में एंटर कर चुके हैं। और यहाँ जो है तो नीचे के लेवल पे आपको 720 और 620 ये दोनों सपोर्ट है, उनके तरफ हम बढ़ते हुए देखेंगे कॉपर को आने वाले महीनों में। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे कि कॉपर ने एक अच्छा खासा करेक्शन दिया, और जो 50 वीक का एवरेज था उसके अराउंड सपोर्ट लेने के बाद अभी बाउंस बैक कर रहा है। तो ये बाउंस बैक जो है तो आपको 800 रुपये तक जाते हुए देख सकता है, और नीचे जो है तो 748 तो 745 ये सपोर्ट पकड़ के चलिए। तो जब तक ये 745 के ऊपर है आप एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हो कॉपर में, जो 800 रुपये तक लेकर जाएंगे। 810 के अराउंड आपको फ्रेश सेलिंग के मौके फिर से देखने को मिलेंगे। तो यह करंटली लॉन्ग व्यू रहेगा, और ये जो लॉन्ग व्यू रहेगा ये आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रखना पड़ेगा। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 745 के नीचे रहेगा, और जो टारगेट है वो 810 के बनते हैं एज पर वीकली चार्ट। आपको जो है 755 के अराउंड बाय करना है, 745 के नीचे स्टॉप लॉस, टारगेट 800 और 810 के एज पर वीकली चार्ट। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि कॉपर ने जो है तो एक अच्छा खासा करेक्शन दिया। करेक्शन के बाद हम डाउन ट्रेंड में भी गए, क्योंकि 200 डेज का जो एवरेज है उसने ब्रीच किया, मगर वहाँ से सपोर्ट लेने के बाद अभी बाउंस बैक कर रहा है। तो यहाँ जो है तो डेली चार्ट पे आपको देखना होगा 781 का लेवल, अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट देता है कॉपर तो आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी कॉपर में, जो लेकर जाएगी 800-810 के लेवल की तरफ। अगर हम फेल होते हैं तो हम फिर से डाउनफॉल आते हुए देखेंगे कॉपर में, जो लेकर जाएगा उसको 755-760 के लेवल की तरफ। तो उसके अराउंड जो है तो आप बाय कर सकते हो। वीकली चार्ट पे यहाँ रिकवरी के साइन दिख रहे हैं, तो आपको जो है तो स्टॉप लॉस रहेगा आपका लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म जो लॉन्ग पोजीशन है उन दोनों में स्टॉप लॉस सेम रहेगा 745 का, और जो टारगेट रहेंगे वो भी सेम रहेंगे 800-810 के टारगेट जो है, तो आने वाले हफ्तों में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर कॉपर एज पर डेली चार्ट अगर 755 के नीचे बंद होता है तो आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है कॉपर में, और यहाँ जो है तो नीचे के अच्छे खासे लेवल जो है तो आ सकते हैं, और लोअर टॉप लोअर बॉटम का साइकिल जो है तो कॉपर प्राइसेस में शुरू हो सकते हैं। बिलो 760-755 लेवल के नीचे अगर कॉपर प्राइसेस सस्टेन करते हैं तो करंटली मुझे लगता है कि यहाँ एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। जिस तरह से डेली और वीकली प्राइस चार्ट है तो यहाँ मोस्ट प्रोबेबली हम ऊपर के लेवल देखेंगे, और 800-810 के टारगेट जो है तो कॉपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। तो ये रहा मेरा व्यू, और यहाँ जो है तो स्टॉप लॉस स्टिक रहेगा 745 का। आपको हर एक लॉन्ग पोजीशन के लिए आपका जो फाइनल स्टॉप लॉस है वो 745 का है। उसके नीचे जाता है कॉपर तो आपको जो है तो शार्प सेल ऑफ देखने को मिलेगा कॉपर में, जिसमें टारगेट रहेंगे 720 और उसके बाद में 620 के भी टारगेट आपको लॉन्गर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लाइव मार्केट में प्रीमियम कॉल चाहिए तो मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।